धर्म पूजा पाठ के सभी दर्शकों को जय श्री कृष्ण। मित्रों आइए जानते हैं 29 अक्टूबर धन त्रयोदशी के शुभ मुहूर्त चौघड़िया के अनुसार कौन कौन से। 29 अक्टूबर को धन त्रयोदशी 10:30 बजे, त्रयोदशी तिथि 10:30 बजे से शुरू हो रही है, जो कि 30 तारीख को दोपहर 1:14 तक रहेगी। तो आइए उनके चौघड़िया के अनुसार कौन कौन से मुहूर्त बनते हैं तो इसे देखते हैं। 29 तारीख को अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:59 से लेके 12:45 तक। दिए गए मुहूर्त ठाणे के हिसाब से आप देख रहे हैं, ठाणे के हिसाब से बताया जा रहा है। ये मुंबई, ठाणे, कल्याण, इन शहरों के लिए ये चौघड़िया उपयोगी रहेंगे। तो 29 तारीख के लिए अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:59 से 12:45 तक। उसके उपरांत लाभ का चौघड़िया भी रहेगा 10:56 से 12:22 तक, और अमृत का चौघड़िया 12:22 से 1:47 तक। उसके उपरांत धन त्रयोदशी के दिन पूजा करने के लिए या कुछ खरीदारी करने के लिए दोपहर 3:13 से 4:39 तक। हाँ मित्रों, राहु काल का भी ध्यान रखें, 3:13 से 4:39 तक भी रहेगा राहु काल भी रहेगा। तो जिन लोगों को राहु काल टालना है तो इस समय को टाल दें, इसको न लें, सुबह के चौघड़िया में न करें। अब रात्रि में समय बचा, शाम को 7:39 से लेकर के 9:13 तक, ये यहाँ पे ये समय खरीदारी के लिए सबसे उपयोगी रहेगा और सबसे उत्तम पूजन करने के लिए भी रहेगा, जिन लोगों को पूजन करना है। आइए अब गोधूलि वेला के बारे में बात करें। शाम को 6:00 से लेकर के 8:00 तक गोधूलि वेला रहेगी, इसमें आप पूजन कर सकते हैं। प्रदोष वेला 6:05 से 8:34 यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान देंगे मित्रों को। तो यहाँ पे दिख रहा है 6:05 से 8:34 तक। इस प्रकार से आप गोधूलि वेला में भी पूजन कर सकते हैं और ख़रीदारी भी कर सकते हैं, दोनों के लिए शुभ रहेगी। आइए जानते हैं 30 तारीख को। 30 तारीख को जैसे कि मैंने बताया दोपहर तक धन त्रयोदशी तिथि रहेगी, तो सुबह 8:05 से 9:30 तक और 11:00 से 12:22 तक ये रहेगा। 12:00 के बाद में राहु काल है तो इसको टाल दें। आशा करता हूँ आपको दी गई जानकारी उपयोग में आएगी और आप इसका सदुपयोग करेंगे। जय श्री कृष्ण।